सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आप सही हैं, तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। कोई इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो ही रहा होता है। आज का पंचांग 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 1:30 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। रंगों का त्योहार होली। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च 2022 को है, फिर इसके एक दिन बाद 18 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से 10:31 तक रहेगा। होलिका दहन की अवधि करीब 1:10 की रहेगी। वृषभ राशि 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार, यह समय नई शुरुआत का, तो जहां भी हो सके नए कनेक्शन बनाएं। नेटवर्किंग आपको आय के नए स्रोत प्रदान कर सकती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन की भी संभावना है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है, इसलिए सब्र से काम लें। अगर मन चाहे तो आत्मविश्वास और परिश्रम के सहारे भाग्य खुद लिख सकता है, और अगर हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भाग्य स्वयं लिख देगी। आपकी आदतों और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार आ सकता है। समाज में भी आपकी योग्यता और काबिलियत सराहना रहेगी। इस समय शेविंग जैसी गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। धार्मिक आयोजन भी संभव है। पैसों से संबंधित किए गए बड़े व्यवहार की जानकारी परिवार के लोगों को देनी होगी। परिवार के लोगों से प्राप्त हो रहे सहयोग के कारण आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में व्यक्तिगत जीवन में जो प्रगति आप चाहते हैं, उसके लिए भी परिवार के लोग आपकी मदद कर पाएंगे। पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को वरिष्ठों के साथ चर्चा किए बिना निर्णय नहीं लेना है। पति पत्नी आपसी विवादों की चर्चा अन्य लोगों के सामने बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों की सेहत में बदलाव नजर आएगा। सावधानियां। महिला वर्ग को अपने ससुराल पक्ष से कुछ शिकायतें रह सकती है, परंतु संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए खुद के प्रयास भी जरूरी हैं। दूसरों के झगड़ों में दखल अंदाजी ना करें, लेने के देने पड़ सकते हैं। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके दोस्त या साथी वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यार में पहल कोई भी करे, बस इसका अंत सुखद होना चाहिए। आज आप अपनी चाहत और मोहब्बत को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूरी काम स्थगित हो सकता है। अपनी अतिरिक्त देखभाल और लव से आप यह साबित कर देंगे कि आप एक अच्छे साथी हैं।
आपके सितारे यह बता रहे हैं कि अपने साथी के साथ आप आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बात करते हैं करियर की। आज हर काम पूरी निष्ठा से करें और हर बात का ध्यान रखें। लोगों का सम्मान करें और अहंकार से दूर रहें। फर्जीपन या घमंड से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। आपके सितारे पहले की तुलना में अधिक उज्जवल हैं, क्योंकि सफलता और प्रसिद्धि दोनों आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अब आपकी सभी योजनाएं आपके जीवन की बेहतरीन योजनाएं साबित हो रही है। आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें। आप साधारण को भी असाधारण में बदल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। सर्वाइकल और कंधे के दर्द से परेशान रह सकते हैं। व्यायाम इसका उचित इलाज है। घर का बना खाना खाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।